हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के क्या मायने हैं और साथ ही साथ किसान आंदोलन किस तरीके का रुख अपना रहा है। आठवें दौर की बैठक होनी है और सभी की निगाहें उसी ओर है। इसके अलावा देश की सुरक्षा भी अपनी एक अलग महत्ता रखती है। भारत का स्वदेशी गेम 4G बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ ही ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। पर दोस्तों आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। कोरोना वैक्सीन पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता ने कहा पहले पीएम मोदी और भाजपा नेता लगवाएं वैक्सीन। सरकार से बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने रखी ये तीन मांगे। ट्रंप के टेप पर अमेरिका में बवाल, चुनाव अधिकारी पर नतीजे बदलने का बनाया था दबाव। कई राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, जाने इंसानों के लिए कितना खतरनाक H5N1 वायरस। चीनी कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का ठेका, पिछले साल लगी थी रोक। कोरोना के नए स्ट्रेन से यूके में दहशत, टीचर्स यूनियन की मांग 2 हफ्ते और बंद रखे जाएं स्कूल। इंतजार खत्म, भारत में 26 जनवरी को लॉन्च होगा मेड इन इंडिया गेम 4G। इस दिन होगी सैमसंग गैलेक्सी S21 की लॉन्चिंग, कंपनी ने किया कंफर्म। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम सारी जानकारियां आपके इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत और सबर के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यहीं बरकरार रखिए और हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन काम करते रहेंगे। अब आइए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,588 नए मामले सामने आए और जबकि 865 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,03,23,965 हो गई, जबकि देश में 1,49,435 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय 2,92,742 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस वैक्सीन को देश में मंजूरी मिलने के बाद उस पर राजनीति तेज हो गई है। अब कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें भाजपा की वैक्सीन पर भरोसा नहीं, वो देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बिहार कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों का हवाला देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं को पहले खुद टीका लगवाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा वैक्सीन का क्रेडिट खुद लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन दो कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने वैक्सीन तैयार की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर आठवें दौर की बातचीत होनी है। ये बातचीत दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले सातवें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी, वहीं आज 4 में से 2 शर्तों पर चर्चा होनी है। आठवें दौर की बातचीत से पहले किसानों को सख्त तेवर दिखाए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, मीटिंग का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून बने। हम वापस नहीं जाएंगे। अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार को जवाब देना होगा। MSP गारंटी का कानून नहीं आता तो हमारे अगले कार्यक्रम पहले से ही तैयार है। 6 जनवरी को ट्रैक्टर्स पर मार्च किया जाएगा। 7 जनवरी को देश को जगाने की कवायद शुरू होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में एक ऑडियो टेप ने हड़कंप मचा रखा है। आरोप है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया के चुनाव अधिकारी को फोन करके चुनाव परिणाम बदलवाने का दबाव डाला था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद अमेरिका की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और इसकी तुलना वाटरगेट कांड से की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक टेप सामने आया जिसमे ट्रंप ने जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रिपब्लिक नेता ब्रॉड रेफनर्स पेगर्स को फोन करके चुनाव परिणाम बदलने का दबाव डाला था। ट्रंप कह रहे
हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इसे करो। मैं केवल 11,780 वोटों की तलाश करना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास है उससे ज्यादा है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज में जो बाइडेन को 306 वोट मिले जबकि ट्रंप के हिस्से में 232 वोट आए। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 मतों की जरूरत होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के बीच अब बर्ड फ्लू भी तांडव मचा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दस्तक के बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बर्ड फ्लू के नाम से पहचाने वाली यह बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक है। इससे जान जाने का खतरा है। बर्ड फ्लू के कहर को देखते हुए केंद्र समेत राज्य सरकारों ने भी अलर्ट जारी किया है। अब तक झालावाड़ में 100, कोटा में 47, बारा में 72, पाली में 19 और जयपुर के जल महल पर 10 कोए सहित प्रदेश भर में 245 कोओं की मौत हो चुकी है। कोआ की मौत से हरकत में आई पशुपालन विभाग की कोटा संभाग की टीम जांच करने झालावाड़ पहुंची। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज भी करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस नया स्ट्रेन यानी नया रूप मिलने के बाद कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके चलते इंग्लैंड की सरकार पर अध्यापकों का दबाव भी तेजी से बढ़ने लगा। रविवार को टीचर्स यूनियन ने कम से कम अगले 2 हफ्तों तक स्कूल को बंद रखने की मांग की। हालांकि सरकार ने पहले ही लंदन के स्कूलों को अगले 1 हफ्ते तक बंद रखने का आदेश दिया है ताकि नए स्ट्रेन के प्रभाव का आकलन किया जा सके, लेकिन टीचर्स यूनियन इस पॉलिसी को पूरे इंग्लैंड में लागू करवाना चाहती है। अध्यापकों को अपने और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। यूके में कोरोना वायरस के मामले अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। अकेले शनिवार को यूके में 57,725 मामले दर्ज हुए हैं। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन रेगुलरली आता रहे। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS के एक सेक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया गया। पिछले साल सीमा पर जारी तनाव के बीच इस कंपनी का ठेका रोक दिया गया था। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने साहिबाबाद के दिल्ली के न्यू अशोक नगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक के 5.6 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का ठेका शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया। NCRTC के द्वारा देश के पहले रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया जा रहा है। पिछले साल जून में इस पर काफी विवाद हुआ था जब भारत चीन सीमा विवाद के बीच ये खबर आई थी कि चीनी कंपनी ने सबसे कम रकम की बोली लगाई है। इस विवाद को देखते हुए चीनी कंपनी के ठेके पर रोक लगा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 28वें दिन तेल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे इन दिनों आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड 0.17 डॉलर की तेजी के साथ 51.80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ दिखा। वही WTI क्रूड 0.12 डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ 48.52 डॉलर प्रति बैरल पर बोला जा रहा है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव के आधार पर हर रोज तेल के दाम अपडेट करती है, लेकिन इन दिनों ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगभग स्थिर हैं, जिससे घरेलू बाजार में तेल के दाम भी स्थिर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैमसंग गैलेक्सी S21 लॉन्च इवेंट को कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है। इस नए फ्लैगशिप लाइन अप को आधिकारिक तौर पर 14 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि S21 सीरीज के तहत गैलेक्सी S21, गैलेक्सी S21 प्लस, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की लॉन्चिंग होगी। इवेंट इनवाइट में एक यूनिक कैमरा मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, जिसे पहले ही लीक्ड तस्वीरों में कई बार देखा जा चुका है। सैमसंग गैलेक्सी S21 लॉन्च इवेंट की शुरुआत 8:30 बजे से होगी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफिशियल सैमसंग चैनल से की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट पर नोटिफाई मी पेज को भी लाइव कर दिया गया है। इससे ये साफ है कि इस अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज की बिक्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मेड इन इंडिया गेम 4G आखिरकार लॉन्च होने को तैयार है। एनकोर गेम्स के 4G गेम की रिलीज का ऐलान हो गया। भारत में इसे 26 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। गेम की तारीख के साथ इसके मेकर्स ने इसका ट्रेलर भी पेश किया है, जिसमें लद्दाख प्रकरण की झलक दिखाई दे रही है। इसमें भारतीय सैनिक PLA ट्रूप्स के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 4G गेम का ऐलान करीब 4 महीने पहले हुआ था। इसका प्री रजिस्ट्रेशन पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ और ये गेम इतना पॉपुलर हुआ कि इसके प्री रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे के अंदर ही करीब 10 लाख लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। हालांकि अब लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है और इस गेम को रिपब्लिक डे के खास मौके पर 26 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज के समय में पैसों की सेविंग्स के लिए FD सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए पैसों की सेविंग्स के साथ साथ अच्छा ब्याज भी मिलता है। बता दें, इस समय सरकारी बैंक ने ब्याज दरें घटा दी हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई बैंक हैं जो अपने ग्राहकों को 7 से 7.5% तक का ब्याज दे रहा है। आइए आज आपको उन बैंकों के बारे में डिटेल से बताते हैं। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक आम ग्राहकों को 7.5 से भी ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को 8% तक का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यही आती रहेंगी। बस आपको करना ये होगा कि वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर दबाना है आपको बेल आइकन, ताकि आप तक हर एक खबर का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें, साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।